परिवार के पीछे पड़े हो। तो फाइनली दोस्तों, तमिल सुपरस्टार से पेन इंडियन सुपरस्टार बन चुके थालापति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है। और दोस्तों, ये फिल्म आज अपने चार दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की हिस्टोरिकल कमाई कर रही है, ये कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की इस साल रिलीज होने वाली बिगेस्ट ग्रोसर बनने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो के चार दिनों के इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के बारे में, और जानने वाले हैं कि इस फिल्म ने अभी तक किस किस फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर आप अभी लियो फिल्म को बेहतरीन फिल्म मानते हो या थालापति विजय और संजय दत्त के बिग फैन हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि लोकेश कनकराज के डायरेक्शन बनी लियो एक एक्शन फिल्म है जिसे 250 से 300 करोड़ के बजट में बनाया गया है। इस फिल्म को 4000 स्क्रीन में इंडिया में और दुनिया भर में लगभग 6000 स्क्रीन में रिलीज की गई। बात करें फिल्म की कमाई की तो फिल्म ने पहले दिन 148 करोड़ 60 लाख की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी, और जवान, पठान, आदि पुरुष जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ा। फिल्म ने दूसरे दिन 41 करोड़ का नेट किया, जहां तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ आया। फिल्म ने तीसरे दिन 42 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। फिल्म अपने चार दिन यानी आज 43 करोड़ 50 लाख की कमाई करती हुए दिखाई दे रही है। वही फिल्म का चार दिनों का ऑल इंडिया नेट 195 करोड़ हो चुका होगा। ओवरसीज से 138 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। फिल्म चार दिनों का टोटल वर्ल्डवाइड 368 करोड़ की हिस्टोरिकल कमाई कर चुकी होगी। इसी के साथ लियो एक ऑल टाइम ब्लॉक ब्लास्टर बन चुकी है। अगर आप ये सही फिल्म अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। yeah!